इधर से आज की मीटिंग में ट्रक एसोसिएशन वालों को बुलाया गया था और उनके जो भी कंसर्न थे, उनके जो भी शंकाएं थी वो जानने के लिए बुलाई गई थी और एक पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज उनको देने के लिए ये भी एक एम था आज की मीटिंग का। बहुत से टाइम मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि ओल्ड आगरा हाईवे पे ट्रक्स बिना किसी ड्राइवर और कंडक्टर के बेवजह पार्क्ड होते हैं, ये स्ट्रिक्टली इलीगल है और यही मैसेज आज की मीटिंग में भी इनको दे दिया गया है कि विदाउट एनी रीज़न अगर पार्किंग किया गया है और वो भी ऑन दी हाईवे पार्क किया गया है तो इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा बाय ट्रैफिक पुलिस। सेकेंडली, कोई भी अपने ट्रक से किसी भी तरह की अवैध चीज़, अवैध धंधे या कोई भी अवैध पदार्थ सिटी में लेके आ रहा है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन हमारी तरफ से होगा, एंड तक हम उसको परस्यू करेंगे। और कोई भी अपने ट्रक्स को इन अवैध धंधों और अवैध पदार्थों के लिए इस्तेमाल मत करें। तीसरा, ये उनके एक डिमांड रही है ट्रक टर्मिनल की, वो हमने सुनी और इसके आगे जो भी हम कर सकते हैं उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट जो भी कुछ स्टेप्स उठा सकता है उसके लिए भी हमने नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बनाई नेक्स्ट स्टेप्स लेने के लिए। दिन में गाड़ी, बड़ी गाड़ियां शहर के अंदर चलती है तो उसके ऊपर कोई रोकथाम लगी नहीं? अभी अगर वो अपना माल पहुंचाने के लिए शहर में जा रही हैं तो ये अलाउ किया जा रहा है, बट उनकी पार्किंग बिना किसी कारण के, वो भी हाईवे पे पार्किंग, सड़क पे पार्किंग, एक गर्दी क्रिएट करता है और दूसरा अतिक्रमण का कारण भी बनता है, तो इस वजह से उसके ऊपर हमने एक्शन लेना शुरू किया है। देखिए, मालेगांव को ये एक डिसीजन लेना है कि अगर उनको अपना शहर ट्रैफिक के लिए एक सिस्टमेटिक वे से बनाना है तो जो जिस तरह से वो पार्किंग का सिस्टम अपना डिवाइस करते हैं, जिस तरह से वो अपने पार्क कर जाते हैं गाड़ियाँ, ये सब उन्हें रोकना पड़ेगा। यह हमारे सबके सहूलत के लिए ही है कि हम पार्किंग अपनी व्यवस्थित तरीके से करें और बेवजह बिना किसी रीज़न के जो हम साइड पे मोटरसाइकिल, गाड़ियां और ट्रक्स पार्क कर जाते हैं तो इसके ऊपर पूरी कार्रवाई चलती रहेगी और एक मैसेज हमारी तरफ से सेंड किया जाएगा। सर, एक सवाल आ रहा है कि मोटरसाइकिल जो टू व्हीलर है वो अक्सर ऐसा होता है कि एक दूसरे से खरीदते हैं तो मालक वही रहता है जो पहले रहता है, उनके पास कागज़ पत्र पर उनका ही नाम रहता है और गाड़ी उससे दूसरे लोग खरीद लेते हैं लेकिन नाम पे नहीं करते, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ संदेश था? स्ट्रिक्टली इलीगल है। इस तरीके से मैं कहता हूँ कि आप सब एक कॉशियस रहें, बिल्कुल अपनी गाड़ी ऐसे बिना कागज़ के और बॉन्ड पेपर पे साइन करके आगे पास ऑन मत करें, ये बिल्कुल कानूनी नहीं है। और जो भी हमें व्हीकल बिना कागज़ के पकड़े जाएंगे हम उनको जमा कर लेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, अभी नौजवान तबका जैसे पुराने मॉडल की गाड़ी है यामा सुजुकी, उसको नए टाइप की बना रहे हैं, उसमें अलग अलग तरीके के साइलेंसर लगा रहे हैं, हॉर्न दो अलग अलग आवाज़ के हॉर्न दो लगा रहे हैं, तो ऐसे लोग पे आप क्या कार्रवाई करेंगे? कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है।